इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट 9822-84936, विजिट www.ravimasale.com। स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाल देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में डीमापुर कोलकाता मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशेल, कविश, दयुदित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद। त्रिम द्रव द्रव नमूर्ते भगवते श्रीमते पवित्र तल जलिने विस्तृचिया मीति स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे चीरे वारदि रूप विश्वादिवीरांताजलिन स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादी वीरांताजलिन स्नपयामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री वृष्वादी वीरांताजलिवृष्वादी वीरांताजलिन स्नपयामिति से गगरी भरो कि नवन प्रभु आज करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो कि नवन प्रभु आज करेंगे अमृत से गगरी भरो के नवन प्रभु आज करेंगे साथी सब मिल कलश सजाए भरो के नवन प्रभु आ भरो के नवन प्रभु आज करेंगे खुशी खुशी मिलके चलो के नवन प्रभु आज करेंगे अमृत से गगरी भरो के नवन प्रभु आज करेंगे। जय बोले गुणायतन प्रिंद तरुण नाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। जो नित्य शांति धारा पुण्यार्जक है उनके नामों की घोषणा होने जा रही है। दिल्ली सूरत से श्री विनोद जी, अनिल, अमित, सचिन, विकेश जैन सब परिवार। कोलकाता मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रकाश चंद, सरला देवी पाटनी जी, पूजा आदित्य पाटनी, पुत्री दामाद अंशिका, संजय पांड्या समस्त अतिवीर फाउंडेशन सब परिवार। मिर्जापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विमल कुमार, ऋषभ कुमार, विक्रम विकास, किरण सुमन, सारिका, आशिका, मुस्कान, महक, आदित्य जैन सब परिवार। गंज बसोदा से शिरोमणि संरक्षक स्वर्गीय अजित कुमार जी, श्रीमती जतन बाई, स्वर्गीय अनिल कुमार, श्रीमती मंजुलता, सुपुत्र एकांश, श्वेता जी, जियांसी, मनस्वी जैन सब परिवार। फिरोजाबाद से शिरोमणि संरक्षक श्री ललितेश जी, श्रीमती कमलेश, दिनेश, मीना, मुकेश, अंजू, नितिन, पूजा, अंकित, रूबी, पारस, निशु, श्रेयांश, अर्ची, अनंत, मितांसी, वानी, ओजस, प्रीचा जैन सब परिवार। गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री अजित प्रसाद जी, श्रीमती संतोष देवी, पंकज डॉली, ऋषभ अभिनंदन, संजना, संजय, नैन्सी, यश जैन सब परिवार। कोलकाता से श्री सुमेरमल जी, श्रीमती नर्मदा देवी जैन, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लवन्या, भव्या, तक्ष जी चूड़ीवाल सब परिवार। भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री विनीत, संगीता जी, पुलकित, दिव्या, पुनीत, सैफाली, शुरभित मेहल, श्रीमती शारदा, शिखर चंद, हर्षित, सुष्मित जी गोधा सब परिवार। दुर्गापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री अनिल जी, श्रीमती अमिता, शशांक, प्रीति, तरुण, अनुपमा, आलोक, श्वेता, मितुल, मानवी, सिमरन, ईशानवी, अहेली, संभव जी जैन सब परिवार। आगरा से श्री चक्रेश, श्रीमती शिखा जी, पुत्र पुत्री प्रखर, सौम्या जैन, यूएसए। कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेम जी, श्रीमती प्रमीला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन सब परिवार। टीकमगढ़ से संस्थापक सदस्य श्री बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश जी, श्रीमती मीना असीम, श्रीमती रिम्पी अपूर्व, श्रीमती सृष्टि प्रिया, सिद्धेश अरु, दिविज मेरू, अध्ययन सतभैया सब परिवार। कटनी सतना से श्रीमती राजकुमारी जी, श्री प्रेमचंद जी प्रेमी, इंजीनियर रमेश जी, दिनेश, महेंद्र, संजय, अरिहंत, अक्षय, अक्षत, अरहन, हितंकर जी जैन समस्त प्रेमी परिवार।
बरेली उत्तर प्रदेश के संस्थापक सदस्य इंजीनियर अनिल कुमार जी, श्रीमती त्रिशला एकता अरुण कुमार विदित वर्षिका जैन सह परिवार, जबलपुर वापी गुजरात से श्रीमती निर्मला जी, विजय कुमार शैलेंद्र सोनू, श्रीमती प्रियंका रुपेंद्र कुमार मोदू मेधांस, बेबी अनस्या जैन लमेटा वाले सह परिवार, मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री आरपी जैन, श्रीमती ममता जी, श्री प्रशांत जी, श्रीमती दिव्या भरत जी, पारस जी जैन सह परिवार, विदिशा से संस्थापक सदस्य श्रीमती कमलाबाई चंद्रशेखर जी, अनीता प्रिया दिव्या उदंक जैन सह परिवार, रांची से संस्थापक सदस्य गुणायतन मंत्री श्रीमती चंद्रकला जी, नीरज निल्यांसा, जयाक्ष जी पर से श्रीमती रत्नमणि देवी सेट्टी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्री सुरेंद्र जी, प्रीति सिद्धांत, रिया सलूनी, अजित मोनिका, आयुषी अर्णव, विनीत रितिका विवान, देवर्ष ऋतु सुधीर, ऋषित हार्दिक, समस्त जोड़ीवाल सेट्टी छाबड़ा सह परिवार, अलवर से शिरोमणि संरक्षक श्री ताराचंद जी जैन जयंती परिवार, रतलाम से शिरोमणि संरक्षक श्री भवरलाल जी, श्रीमती ज्ञानवती देवी जी, राजेश जी, रेखा आंचल, अनंत अग्रवाल सह परिवार, इंदौर जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती विमला देवी, मुकेश जी, चंदन बाला, विजय ममता, संजय ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामिनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभिरचना, धृति, वर्धनी, पाटोदी, कासलीवाल सह परिवार, यूएसए से संस्थापक सदस्य श्री अजय मधु, अतुल रीना आदि, अवीरिया जिया, अंजू मेहता, अमित मेहता सह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक चिंतामणि सवाईलाल जी जैन सह परिवार, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती चंदा देवी, धर्मपत्नी मोतीलाल जी, शांतिलाल, श्री सुमती देवी, निर्मल वीना, विजय रश्मि, अजय कंचन, याशिका, अंकिता गौरव, नैतिक सरावगी सह परिवार, कटनी से शिरोमणि संरक्षक सेठ उत्तम चंद जी जैन, श्रीमती प्रभा, अनुराग, श्रीमती जूही, अनुज, श्रीमती विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर अभिलाषा, डॉक्टर सुदीप जी, डॉक्टर आभा, अंशिका जी, आरव, योग्य केया, प्रांजक, रणक, अरहन, अर्चिका जैन, समस्त कोयला परिवार, यूएसए, ह्यूस्टन, टेक्सस से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती प्रेमलता, विजय, मंजू, गगन, कीटी, अरु, गौरव, नेहल, चांदनी जी जैन सह परिवार, बक्सरा गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र भाई जी, श्रीमती शोभना बेन, अतुल जी, शीतल जी, निहाल, वंदना लदानी एवं समस्त लदानी सह परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री शांति कुमार जी, श्रीमती ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिदेश, प्रीति, आदित्य, नित्या जी जैन, समस्त सौगानी परिवार जापान वाले, कोलकाता से शिरोमणि संरक्षक श्री रमेश जी, अनिल जी, किरण, जयश्री, ऋषभ, ऋषा, भयंक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांश जी, सरावगी सह परिवार, किशनगढ़ से शिरोमणि संरक्षक श्री गवरलाल जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सूरज जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनय जी, सुचित जी, विकास जी, रिद्धा, श्रद्धा, विनय, ईर्षा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन जी पाटनी, आर के मार्बल सह परिवार, जयपुर से संस्थापक सदस्य श्री प्रकाश चंद्र जैन, डॉक्टर ज्योति, शांतिलाल, श्रीमती पुष्पा देवी, पुत्री अवनी, भावेश, देशना, अनंत, पुत्र अनिमेश, कबीर जैन, समस्त अखावत सह परिवार, गड़ाकोटा मुंबई से शिरोमणि संरक्षक श्री जिनेश कुमार, सुरेश कुमार, अनुराग जी, आदिवीर, माया, क्रांति, शिल्पी, अनुशौर, शोधिया सह परिवार, कोलकाता से गुणायतन अध्यक्ष श्री विनोद जी, किरण, राहुल, रितुम, सौरभ जी काला सह परिवार, भोपाल से संस्थापक सदस्य श्रीमती कंचन बाई जैन, सुगंधी लाल जैन, हेमलता, शालिनी, रोहित, सोनाली, वैदेही, विदुषी, स्वस्ति, रेयांश जी, स्वरा जैन सह परिवार, भोपाल से शिरोमणि संरक्षक श्री राजेश भारिल, निशा जी, इंजीनियर रौनक भारिल, रोली, अंकुर, रोवांक जी, बलकुल सह परिवार, जयपुर से श्री संपत राय जी, शांति देवी, सुपुत्र, रविन्द्र, नरेंद्र, सुरेंद्र जी पाटनी सह परिवार, निखार वाले, वापी गुजरात से शिरोमणि संरक्षक श्री भूपेंद्र, रेखा हुमड़, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा देव, वीना, मायरा हुमड़ सह परिवार, गुड़गांव से शिरोमणि संरक्षक श्री संजय जी, रेणू जी, राशिका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंशिका जैन चौधरी सह परिवार, बांदा से शिरोमणि संरक्षक श्री पुष्पेंद्र जी, श्रीमती सविता जी, नातिन, गुनगुन, अंकित जी, अमिता जी, मनस्वी जी, नैवेद्या सराफ सह परिवार, कोलकाता, डीमापुर, मुंबई, बेंगलुरु से श्री पवन कुमार सेट्टी, श्रीमती पाना देवी सेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सीमा, विवेक, संध्या, विशाल, अनिता, रोहिल, मेघना, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, रिशैल, कविश, धुदित एवं समस्त सेटी परिवार, सिंगापुर से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, श्रीमती अर्चना जी, शिल्पा जी, अरिहंत, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया जी, श्रीमती सरोज जैन सह परिवार, गन्नौर से शिरोमणि संरक्षक श्रीमती राजदुलारी जी, राजेंद्र जी, गीता जी, अनिल जी, ममता जी, प्रवीण जी, नमन जी, अलीशा जी, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन सह परिवार, कन्नौज से शिरोमणि संरक्षक श्री महेश कुमार, श्री पीयूष, कल्पना जैन, श्री अमरीश, श्रीमती विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, ईशान जैन सह परिवार, देहरादून से शिरोमणि संरक्षक श्री विनोद जी, कमलेश जी, आशीष मेघा, अतिन, पूजा, ऋचा, विवेक जी जैन, रामपुर वाला सह परिवार, जयपुर से शिरोमणि संरक्षक श्री नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रमोद, नीना, सुनील, निशा, अंकित, इति, आद्विक, आन्या, युवराज, अंशुका पहाड़िया सह परिवार, भोपाल से श्रीमती राजकुमारी, धर्मपत्नी संतोष जी सिराफ, पुत्र, पुत्र वधु शपन, ममता, विकास, प्रतिभा, अनुभव, अंशुल जी सराफ, अतिशय, आशय, नेनी, नोनी, एशना, आईना सराफ, गुणायतन प्रचार मंत्री, जिनकी मासिक शांति धारा चल रही है, कानपुर से श्रियांश कुमार जैन, विपुल जी, आराधना जी, अतुल जी, पूर्णिमा जी, सुचित जैन, आर्यन जैन सह परिवार, डाल्टनगंज से श्री सुभाष इंदु जी, सुनील आशा जी, राजीव, रीता,
उज्जवल आयुषी अंकुर सुष्मिता यश भव्य ओजस जिताक्ष रारा सब परिवार। आइए हम सभी गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु करते हैं एवं उनसे अनुरोध करते हैं कि आज की शांति दरा कराकर हम सभी का जीवन मंगलमय करें एवं हमें कृतार्थ करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सबका मंगल और कल्याण हो। जो नित्य शांति धारा के पुण्याजक हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शांति धारा का पुण्य लाभ मिला है ऐसे कुमारी तनुश्री जी के बौद्धिक विकास की परम भावना से धर्मचंद जी, सविता जैन, अनंत ऋचा अरहम मुस्कान, रूप रानी जैन के स्वास्थ्य लाभ की भावना से ओम ऋतिक जैन, कोनी जी पाटन जबलपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। दूसरी ओर से मुकेश कुमार, अभय कुमार, अंकित जैन, कुसुम जैन, सुमन जैन, शशि जैन, नक्स जैन, किरण जैन, अंगूरी दीपा, हितांशी रिया, गर्व जैन, नडियाड गुना खुरई, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। हेमंत तासा जैन, संजय जैन, कुंडलपुर दमो, अनिमेश जैन, अंबिका जैन, कटनी पाटन वाला परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। ब्रह्मचारिणी किरण दीदी, अनीता दीदी, श्रीमती मीना जैन, आर के जैन, संकल्प सुभी एवं समस्त आर के परिवार भोपाल, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रिया रितेश, निशांत, निशु, सर्वज्ञ संदीप, शशि, सत्येंद्र, उमा जैन, गुड़गांव, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। प्रदीप कुमार, प्रतीक जैन, अमित, सोनल जैन, अंजू जैन, उयशे, अद्वय जैन, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्री रविंद्र, श्रीमती विनीता, पुनीत, विनीत, शाश्वत, मुलायम चैन, चंदाबाई तलैया, खुरई, जबलपुर, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज न्यूजर्सी से अंकित, शैली, सिद्ध, स्वस्ति जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मानसरोवर जयपुर से सुरेंद्र कुमार, सुशील, जितेंद्र, माता श्रीमती शांति देवी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष भावना से सोनिया परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रीवा से प्रदीप जैन के जन्मदिवस के अवसर पर माता श्रीमती नत्थी बाई, त्रिलोक चंद, संजीव, राजीव जैन नौगांव वाले, मंगाई गांव से संस्थापक अशोक कुमार सेठी, बड़ोदरा से उमंग शाह, श्रीमती ऐश्वर्या मोक्षा, माता पिता विनय भाई, केतकी बेन परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जन्मदिवस के अवसर पर कुंडली सोनीपत हरियाणा संस्थापक अरुण जैन, जबलपुर से श्रीमती सरोज जैन, पुत्र गौरव जैन, बाराबंकी से प्रमोद कुमार छाबड़ा, आगरा से प्रशांत जैन, केवली देवली से राजस्थान से श्रीमती छुट्टन धर्मपति राहुल जैन, सागर से जय कुमार जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मिर्जापुर से आदित्य जैन, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज की विशेष शांति धारा में प्रत्यक्ष रूप से सहभागिता प्रदान कर रही हैं श्रीमती सुशीला पाटनी, नित्य शांति धारा पुण्याधिक परिवार किशनगढ़ से सरोम संरक्षक कंवर लाल जी, अशोक जी, सुशीला पाटनी, सुरेश, शांता, विमल, तारिका, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, विवान, वान्या, अरहन पाटनी, आर के मार्वल परिवार, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। आज इनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है। देहरादून से श्रीमती कमलेश जैन, न्यूयॉर्क से श्रीमती विनीता पापड़ीवाल, गलाकोटा से अनुशौर्या स्वाध्याय ने शीघ्र साक्षी उपलब्धि हो, कन्नौज से मनोज, अमिता, मोहित, रितिका, मंगलम जैन, ललितपुर से श्रीमती ममता मोहिनी, पुत्र विक्की जैन, मिहजाम से शिखरचंद जैन, गिनिया देवी गंगवाल, मंडा से श्रीमती सुगंधी बाई जैन, ठेकेदार परिवार, कानपुर से श्रेयांश कुमार जैन और गुवाहाटी कोलकाता से देवर्ष जैन, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो, इनके इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। जितने लोग यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हैं और जो परोक्ष रूप से इस शांति धारा का अनुमोदन कर रहे हैं उनके उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और स्वस्थ रहे, इस पुनीत भाव से शांति धारा का शुभारंभ। सिद्धेभ्य
श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायनम नमो लोए सब्बसाहूनम चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली बनत्तो धम्म मंगलम चत्तारी लोकतमा अनंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली पन्नत्तो धम्मो लोकतमो चत्तारी सन पौजामी अनंते सन पौजामी सिद्धे सन पौजामी साहु सन पौजामी केवली पन्नत्तम धम्मम सन पवज्जामी। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते प्रचीनाशे दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्विघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व परखचिद्रो विनाशनाय सर्वक्षाम दामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं रियाऊषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुम फट कीटिम कीटिम घाते घाते परिघ्नान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु। परम उद्रान छिन्छिन्द परमंतान भिन्मिंदा छ छ भ्रूं फट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं अस्यावसानात् विद्याय नमो हिन्तालं ह्रौं सर्व शान्तिं कुरु कुरु। ओम अहरां श्री ह्रीं आहुरूं उह्रौं साहर जगदात विनाशनायनीं श्री शान्तिनाथाय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथाय अशोकतरु सत्पातिहार मणिताय अशोकतरु सत्पातिहार सोनपतब्धाय अम्बुलार ह्रीं विजयाय सर्वतो शान्तिकराय नमः सर्व शान्तिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्टि सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय भमलार विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार मणिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय भमलार विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्प्रातिहार मणिताय चामृतोलन सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय रमद्वार विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय गमद्वार विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय महामंडल सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय झमलवर विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय स्फुलर विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत्र सत्प्रातिहार मणिताय छत्तत्र सत्प्रातिहार सोनपतब्धाय खमलर विंबिजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वघ्न शांतिकराय नमः सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं अहं नमो जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो ओहि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो परमोहि जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं ओम ह्रीं अहं नमो स्वयं बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो पत्ये बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो बोहि बुद्धानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो उजुमदीनं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो विभुरुमदीनं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो दशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो चोदशपुबीनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो ठंगमानमित्तकुशलानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो बनिधिपतानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो विद्याहरानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो चारणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो पन्नशमनानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो आकाशगामिनम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो आशिविशानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो दिट्ठिभिषानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो उग्रतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो दित्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो तत्ततवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो महातवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो घोरतवानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो घोरगुणानम सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अहं नमो घोर
ब्रह्मानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो घोर गुणमं भयारि सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो अमो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो खेलो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो जलो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो विठो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो सब्बो सही पत्तानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो मन बलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो वची बलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो काय बलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो खीर सबिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो सप्य सबिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो महु सबिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो अमी सबिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो खीन महानशानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो बद्धमानानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो लोए सब सिद्धाय सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अहं नमो भयवदो महदि महावीर बद्धमान बुद्धि ऋषिनं चेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भयवदो बद्धमानस्य ऋषस्य जस्यकं जलंतं गच्छै आयासं पायालं लोयानं भूयानं जीवा द्वादवारणगनेवा थमनेवा मोहनेवा सब जीव सत्तानं वराजदो भवतु मे रक्ख रक्ख स्वाहा शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यम् आरोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य शरीयाभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् पद्धतघाती कर्मान केवल ज्ञान भास्कर कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वर कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्याजिनेश्वर कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्याजिनेश्वर से आदिनाथ भगवान की जय 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 चंद्रप्र भगवान जय 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 शांतिनाथ भगवान जय 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 पार्श्वनाथ भगवान जय 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 महावीर भगवान की जय 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 चौबीस तीर्थंकर भगवंत जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवत्स जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण शंकर जी महाराज की देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय 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 परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय 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 परम पूज प्रमाणिक संत महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की हमारे चित्त में सतत शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते रहते हैं। शुभ भावों से पुण्य का समार्जन होता है, अशुभ भावों से पाप का। पुण्य हमारे चित्त की विशुद्धि का प्रतिफलन है और पाप अशुद्धि का परिणाम। पुण्य हमारी चेतना को पवित्र करता है तो पाप हमारे जीवन को पतित करता है। साधना के क्रम में पाप सर्वथा त्याज्य है, उसे त्यागना ही पड़ता है। जहाँ तक पुण्य का सवाल है, पुण्य हमारी साधना में कहीं रुकावट नहीं डालता। हाँ, पुण्य के फल भोग में अगर किसी से चूक हो तो जरूर वो संसार में अटक सकता है। पुण्य बंध है, पुण्य की क्रिया और पुण्य का फल। पुण्य वह तत्व जो हमारे जीवन को पवित्र करे। ये पवित्रता आध्यात्मिक पवित्रता है, कि पुण्य अपने आप में बंधन है। बंधन पुण्य का नहीं है, बंधन राग का है। आचार्य कुंदकुंद कहते हैं, रतो बंध अधिकम
मुंचदि जीवो विराग संपन्नो एसो जिनो वदेशो तम्हा कमे सुमारज्ज। यह जीव राग से कर्म बांधता है और विराग से वह कर्म से मुक्त होता है। ऐसा बंध का सार है, संक्षेप है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है। इसलिए ऐसो जिनो वदेशो, ऐसा जिनेंद्र भगवान का उपदेश है। अतः अपनी हिफाजत चाहते हो, अपनी भलाई चाहते हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, तो तम्हा कमे सुमारज्ज, तुम किसी से कोई राग मत करो। महाराज, जब आप शुभ क्रियाओं को अपनाने की बात करते हैं तो वह भी तो एक प्रकार का राग ही होता है, और राग तो बंधन है, और जब राग बंधन है शुभ राग भी बंधन होगा, और जब शुभ राग बंधन होगा तो पुण्य भी तो बंधन हो ही गया ना। कहने के लिए ये बात ऐसी लगती है, और इस आशय की बात समय सार में आचार्य कुंदकुंद ने भी कही है। उसी बात को न समझ पाने के कारण लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। आचार्य कुंदकुंद ने समय सार में पुण्य पाप के संदर्भ में जो बात कही है, आज मैं वहाँ से अपनी बात की शुरुआत करने जा रहा हूँ। फिर आचार्य कुंदकुंद के अन्य ग्रंथों और आगम के आलोक में पुण्य पाप की कुछ समीक्षा आप सबसे करूँगा। कम मम शूह कुशीलम सुहकम मम चाभिहो दिशुशीलम किहितम हो दिशुशीलम जन संसारे पवेशेति सौवन्यम्प नीलम लोहायासम च हौदि नीलम च दोनम हो दिशमाना सौवन्यम्प नीलम बंददि कालायसम च जह पुरुषम बंददि एवं जीवम सुहम अशुहम वाकदम कम्मम तम्मादु कुशीले ही रागम मा कुनह वा माव संसर्गम साधीनो हि विनाशो कुशील संसर्ग राइन। आचार्य कुंदकुंद यहाँ कह रहे हैं अशुभ कर्म को कुशील कहते हैं और शुभ कर्म को सुशील लोक में कहा जाता है, लेकिन वह शुभ कर्म भी हमारे लिए सुशील कैसे हो सकता है, क्योंकि वह हमें संसार में प्रवेश कराता है, संसार में फंसाता है। उदाहरण दिया, सोने की बेड़ी होती का की बेड़ी हो या लोहे की बेड़ी, बेड़ी दोनों ही बंधनकारी है। इसलिए शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म जीव को बांधते हैं, और जब दोनों बांधते हैं इसलिए अशुभ से भी राग मत करो, शुभ से भी राग मत करो, दोनों को ही एक प्रकार से कुशील मानो, क्योंकि इनसे अपनी स्वाधीनता का विनाश होता है। जब इन गाथाओं के आलोक में हम बात करते हैं तो ये बात उभर कर आती है कि आचार्य कुंदकुंद ने स्पष्ट शब्दों में तो ये कह दिया कि शुभ कर्म हो अथवा अशुभ कर्म हो, पुण्य हो अथवा पाप हो, दोनों के दोनों समान हैं और दोनों में ही हमारा बंधन है। इसलिए पुण्य पाप दोनों को समान मान करके चलना चाहिए। यहाँ इसके अर्थ को थोड़ा व्यापकता से समझने की जरूरत है। आचार्य कुंदकुंद समय सार में जब बात कर रहे हैं तो समय सार में किसी साधारण व्यक्ति को खड़ा करके बात नहीं कर रहे, समय सार में उस व्यक्ति की बात है जो आत्म ध्यान में डूबा हुआ है, जो पूरी तरह से आत्मस्थ हो गया, जो वीतराग अवस्था का अनुभव कर रहा है, जो अपने स्वरूप को उपलब्ध हो गया, उसके लिए कहा जा रहा है कि तुम इन दोनों से ऊपर उठो। पुण्य और पाप में भी जब तक अटके रहोगे तब तक तुम आत्मा में डूब नहीं सकोगे। आत्मा में डूबना है
तो तुम्हें पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ करके चलना होगा। क्रिया क्रिया है, चाहे वो पुण्य की क्रिया हो या पाप की क्रिया। जब तक क्रियाओं में डूबे रहोगे तब तक आत्मा में स्थिरता नहीं आ सकती। यहाँ आचार्य कुंदकुंद पुण्य की क्रिया से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं, पुण्य कर्म से नहीं। पुण्य कर्म से तो कोई उठ ही नहीं सकता, चाहे भी तो नहीं उठ सकता। बिना पुण्य के बंध के किसी को मुक्ति मिली ही नहीं है। आचार्य विद्यानंदी ने अपने अष्ट सहस्री ग्रंथ में बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा, मोक्षशाप परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवात्। मुक्ति की प्राप्ति परम पुण्य के अतिशय और चारित्र विशेषात्मक पुरुषार्थ के बल पर ही संभव है, सामान्य स्थिति में नहीं। थोड़ा सा हम कर्म सिद्धांत की बातें आपसे करेंगे और फिर इस विषय पर कुछ अपेक्षित प्रकाश डालेंगे। कर्म सिद्धांत क्या कहता है? कर्म सिद्धांत को आप जब पढ़ेंगे तो पाएंगे, जो जो आत्मा की विशुद्धि बढ़ती है, पुण्य का बंध बढ़ता जाता है, पाप का बंध घटता जाता है। उत्तरोत्तर पुण्य बढ़ता है और पाप का बंध घटता है। इसमें भी जितने विशिष्ट पुण्य कर्म है वे सब उन्हें बंधता है जिन्हें बस अभी केवल ज्ञान होना है। शास्त्र की भाषा में जो छपक श्रेणी में चलने वाले हैं उन्हें ही पुण्य का बंध होता है, और जब तक वो पुण्य का पिगाड़ बंद नहीं करते तब तक केवल ज्ञान किसी को नहीं होता। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व पुण्य का बंध तो अपने आप हो रहा है। जब पुण्य का बंध हो रहा है उत्तरोत्तर हो रहा है, केवल ज्ञान की प्राप्ति के पूर्व भी और केवल ज्ञान के बाद भी वे पुण्य को हाथ नहीं लगाते। पुण्य कर्म छोड़ दो संभव ही नहीं, पुण्य का घात हो ही नहीं सकता। शुक्ल ध्यान की विशुद्धि से भी पुण्य की निर्जरा नहीं होती, पाप को खाता जाता है। आचार्य वीरसेन महाराज ने धौला में एक बहुत मनोवैज्ञानिक बात कही। वे कहते हैं, सम्मा इठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हनदि, सम्यक दृष्टि पुण्य कर्म का घात नहीं करता। क्यों नहीं करता? तो उसका जो उत्तर है बहुत ही समझने लायक। उन्होंने कहा कि पुण्य के घात के लिए संक्लेश चाहिए। क्या चाहिए? पुण्य का घात कब होगा? जब मन में संक्लेश होगा। विशुद्धि से पुण्य बढ़ता है, संक्लेश से पुण्य घटता है। और जब पुण्य के घात के लिए संक्लेश चाहिए, संक्लेश आएगा तो पाप साथ में आएगा। ऐसा कौन समझदार होगा जो पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करेगा? होगा क्या? नहीं होगा। तो पुण्य का बंध तो चलता ही रहता है, उत्तरोत्तर चलेगा, तुम चाहोगे तो भी नहीं रुकेगा। यहां तक कि शुक्ल ध्यान की विशुद्धि में लीन शुद्धोपयोगी मुनि भी पुण्य का आश्रय करते ही हैं, पाप रुकता है। क्योंकि पाप हमारे मुक्ति में बाधक है, पुण्य नहीं। कल मैंने आप सबसे कहा था, पुण्य के भोग से बचो। पुण्य का भोग संसार में अटकाएगा, पुण्य का भोग पाप में रमाता है। इसलिए पुण्य का भोग न करो। रहा सवाल पुण्य की क्रिया का, तो जब तक पाप की क्रियाओं से मुक्त नहीं हो तब तक पुण्य की क्रिया करो, वो साधन है। हाँ,
जब और आगे बढ़ने की भूमिका आ जाए तो इससे भी ऊपर उठो, आत्मा में डूबो। आत्मा में डूबने के लिए ये बाहरी क्रियाएं बाधक है, चाहे वो शुभ क्रिया हो अथवा अशुभ क्रिया। आचार्य कुंदकुंद ने ये गाथाएं जो दी है पुण्य पापाधिकार में, वो उसी संदर्भ में दी है कि तुम पुण्य के लोभ में क्रियाओं में ही मत फंसे रहो, प्रवृत्ति में ही मत उलझो। असल धर्म प्रवृत्ति नहीं निर्वृत्ति है। आत्मा में डूबना है तो तुम्हें पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठना होगा, अपने आप को विशुद्धि से भरना होगा, उसकी अनुभूति करनी होगी। पुण्य स्वाभाविक रूप से बंधता है, बंधता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता, भगवान भी नहीं रोक सकते। खुद अरहंत परमात्मा के लिए कहा गया है पुण्य फला अरहंता, ये आचार्य कुंदकुंद की ही उक्ति है। पुण्य के फल रूप अरहंत होते हैं, इसलिए किस भूमिका में किसे क्या कहा गया वो समझ लेना बहुत जरूरी है, और जो उसे समझ करके चलते हैं वे ही अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकते हैं, हर किसी के वश की बात नहीं। तो पुण्य का फल अंदर घटे, पुण्य का बंध तो होगा, उसे रोक नहीं सकते। पुण्य को बाधक मत मानना, पुण्य के बंध से नहीं बच सकोगे। पुण्य की क्रिया को एक आलंबन के रूप में स्वीकारना, और वह तुम्हारा तात्कालिक धर्म है, क्योंकि गृहस्थों के लिए दानम पूया शील मुवासो सावयानम चौभ्यो धम्मो, ये कहते हुए ये पुण्यवर्धक क्रियाएं ही तुम्हारा धर्म है, ऐसा श्री भगवान ने हम सबके लिए कहा। यही तुम्हारा धर्म है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इससे अपने आप को बचाए। अब कहा गया लोहे की बेड़ी और सोने की बेड़ी, दोनों बेड़ी हैं, ये कथन भी समझने लायक। लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी ही होती है, जिनको भी बेड़ियों में बांधा जाता, आज तक किसी को सोने की बेड़ी से नहीं बांधा गया। बांधा गया है तो लोहे की बेड़ी में ही बांधा गया। और एक बात समझना है, जब किसी को लोहे की बेड़ी से जकड़ दिया जाता है तो वो पराधीन होता है, पराधीनता में ही दूसरों की इच्छा से उसे बेड़ी में बांधा जाता है, और दूसरों की इच्छा से ही वो बेड़ी से मुक्त होता है। लेकिन सोना, सोना व्यक्ति स्वयं की इच्छा से अपनाता है और चाहे जब उसे उतार सकता है। पाप में पूर्ण परतंत्रता है, पुण्य में वह परतंत्रता नहीं है। इसलिए पुण्य की क्रिया को एक अपेक्षित धर्म मानते हुए आगे चलना, और पुण्य को मोक्ष मार्ग में बाधक मानने की जगह साधक मान करके चलना, क्योंकि ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति या आत्म विकास का आधार है। एक होता है सद्गुणों का विकास, दुर्गुणों का विनाश। पुण्य से हमारे आत्मा में सारे सद्गुण विकसित होते हैं। यथार्थतः देखा जाए तो सद्गुणों का नाम ही पुण्य है, दया करुणा क्षमा मृदुता नम्रता भक्ति सेवा वैयावृत्त, ये सब क्या है, सद्गुण है या दुर्गुण? हाँ बोलो, क्या है? सद्गुण है। ये पुण्य है या पाप? इससे आत्मा का विकास है या विनाश? हाँ विकास है ना। तो फिर हम इसे आत्मा की प्रगति में बाधक कैसे माने? ये बाधक नहीं साधक है। हाँ ये बात सही है कि जब तक तुम इनमें ही रमे रहोगे
तो भीतर नहीं डूब पाओगे। मैं हिंसा का त्याग करता हूं, मैं झूठ का त्याग करता हूं, मैं चोरी का त्याग करता हूं, मैं कुशील का त्याग करता हूं, मैं परिग्रह का त्याग करता हूं। ये बात तो हमारे हर ग्रंथ के हर पन्ने में मिल जाएगी। लेकिन मैं अहिंसा का त्याग, मैं सत्य का त्याग, मैं अचौर्य का त्याग, मैं ब्रह्मचर्य का त्याग, या मैं अपरिग्रह का त्याग करता हूं, कहीं है क्या? जिसके हृदय में यह भाव आएगा उसकी आत्मा वहीं पतित हो जाएगी। व्रत संयम का पालन बुद्धि पूर्वक होता है, आखिरी सांस तक होता है। लेकिन हां, जब वही योगी आत्म ध्यान में लवलीन होते हैं तो ये सब बातें भी भूल जाते हैं। प्रवृत्ति से ऊपर उठना ही निर्वृत्ति है, प्रवृत्ति मूलक धर्म का त्याग नहीं। प्रवृत्तियों का नियंत्रण, जो जो हम अपनी प्रवृत्तियों को नियंत्रित करते हैं हमारी चेतना का उतना उतना विकास होता है, पर ये इनका त्याग नहीं है। तो ऐसी भूमिका के अनुसार हमें पुण्य के स्वरूप को समझना चाहिए। और अब जब तक आप प्रवृत्ति में जी रहे हो, पुण्य को अपनी पवित्रता का आधार मानकर पुण्य वर्धक क्रियाओं में अपनी रुचि रखिए, जिससे आपकी कषायों में मंदता आए, आपकी भोगासक्ति क्षीण हो, आपके हृदय में उदारता और निष्प्रहता बढ़े, आपके जीवन में सात्विकता और सदाचार की वृद्धि हो, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर बना सको। ये पुरुषार्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो? अरे, जैन धर्म की विशेषता है, वो तो पुण्य को भी बंधन मानता है। ए भैया, थोड़ा जैन धर्म के मर्म को समझो। अगर ऐसा समझे होते तो ये बात नहीं कहते। महाराज जी, अभी आपने कहा कि राग बंधन है, भक्ति का भी अनुराग हो तो वो तो बंधन हो गया। आपने तो एक दिन कहा था एक परमाणु बराबर राग भी बंधन है। हाँ, पर थोड़ा सा संदर्भ समझो, किस संदर्भ में कौन सी बात कही गई, किसके लिए कही जा रही है। जब तक इन बातों को ठीक रीति से नहीं समझते तब तक हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त नहीं कर सकते। आचार्य कुंदुकुंद कहते हैं, राग बंधन भी है तो राग में मुक्ति भी है। एक तरफ वे कहते एक परमाणु बराबर राग भी संसार में अटका देगा, तो दूसरी तरफ वे कहते अरहंते सुभक्ति सम्मतम। अरहंत भगवान के प्रति होने वाली शुभ भक्ति सम्यक्त है। दोनों बातें परस्पर विरोध ही दिखती है। एक तरफ वो राग को संसार में रुकावट का कारण मान रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं ये शुभ भक्ति मुक्ति है, सम्यक्त है। वो भक्ति मूलक राग मूलक भक्ति को सम्यक्त कह रहे। हाँ, जो प्रवृत्ति में जी रहा है उसके लिए राग ही धर्म है, और जो निर्वृत्ति में जी रहा है उसका वीत राग धर्म है। भूमिका के अनुरूप उपदेश होता है। तुम कहां हो, किस भूमिका में जी रहे हो, इसे समझो। पात्र के अनुरूप उपदेश होता है। इसलिए इस बात को एकदम स्पष्ट रखना, समझना चाहिए। मैं इस बात पर इतना विस्तार से केवल इसलिए आप सबसे बात कर रहा हूं क्योंकि इसको लेकर लोगों में बड़ी भ्रांतियां हैं, पर ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। और मैंने ये बातें शास्त्रीय आधार पर तात्विक दृष्टि से आप सबके बीच रखी है,
हालांकि ये मेरे शैली से हटकर है, मैं प्रायः जीवन व्यवहार मूलक बात ही आप सबसे करता हूँ। वही बात आएगी पुण्य को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें और आचार्य कुंदकुंद ने पुण्य को क्या कहा, किस रूप में अपनाने की बात की और वो गुण हमारे भीतर विकसित कैसे हो, चलेंगे। ये पूरा सप्ताह अभी इसी संदर्भ में होगा, लेकिन जो बात मैंने आप सबसे की है केवल इसलिए कि आपकी अवधारणा स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आप केवल पुण्य पुण्य पर जोर देते हो। महाराज जी पुण्य धर्म है क्या? अरे पुण्य नहीं तो और धर्म क्या है? तुम्हारा धर्म तो पुण्य ही है। हाँ, यदि भोगाकांक्षा है तो पुण्य तुम्हारे लिए पतन करा देगा, और तुम्हारे अंदर भोगाकांक्षा मंद पड़ गई है तो यही पुण्य तुम्हारी मुक्ति का आधार बनेगा। ये बात अपने जेहन में उतार लेनी चाहिए। अगर ये बात बैठ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। राग है लेकिन हर राग हमारे लिए बंधन नहीं करता। आचार्य गुरुभद्र ने बहुत अच्छी बात लिखी, विधूत तमसो राग तपह श्रुत निबंधन साध राग रिवारकस्य जंतो रभ्युदयायस। बीत राग पुरुषों के प्रति होने वाला राग जो उनके तप से संबंधित उनके ज्ञान से संबंधित है, या बीत राग पुरुषों में होने वाला राग, ये संध्याकालीन लालिमा की तरह प्राणियों के कल्याण के लिए गुरुदेव ने इसका बहुत अच्छा अनुवाद किया और ये लिखा कि प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, कितनी अंतर वाली है। सुबह की लालिमा पुण्य का राग है, महान आत्माओं के प्रति उमड़ने वाला राग प्रातःकालीन लाली की तरह है जो तुम्हारी चेतना को जगाने वाली है। और पाप का अनुराग संध्याकालीन लालिमा है जो तुम्हारी चेतना का पतन करने वाली है। तो ये सुबह की लाली और शाम की लाली अलग अलग है, इसे समझ लीजिए और उसी अनुरूप अपनी व्यवस्था कीजिए। पुण्य बाधक नहीं साधक है। एक बार गुरुदेव जब हम लोगों को गोमट सार पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि मान लीजिए यहाँ एक इवेंट हो रहा है और कोई असामाजिक तत्व आ गया, तो आप क्या करते हैं उनसे बचने के लिए? पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ थोड़ा सा न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, सामाजिक तत्व आए हुए हैं, उपद्रव कर रहे हैं, अराजकता फैला रहे, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए। पुलिस को कॉल किया जाता है, पुलिस आई, पुलिस ने सबको नियंत्रित किया, सबको गिरफ्तार किया। इसके बाद क्या करना पड़ता? पुलिस को कहना पड़ता आप जाओ, कि पुलिस अपने आप चले जाती। क्या हुआ? पुलिस को बुलाना पड़ता है, चोरों को बुलाना नहीं पड़ता, चोरों को भगाना पड़ता है। बस इतनी सी समझ रख लेना, पाप चोर है तो पुण्य पुलिस है। चोर को भगाओ ऐसा सब कहता है, पुलिस को भगाओ कहने वाला साहूकार नहीं होता। बस इतनी सी बात समझने की जरूरत। चोर को भगाओ ऐसा सब कहेंगे, पर पुलिस को भगाओ कहने वाला साहूकार नहीं हो सकता। इसलिए ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए और इसी के अनुरूप हम अपने आप को पापों से मुक्त कर पाएंगे। हमारे अंदर भाव तो आएंगे ही आएंगे, चाहे शुभ भाव आए चाहे अशुभ भाव आए, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं वही हमारे कर्म बंध के कारण हैं, वो अच्छे भी हों और बुरे भी हों। उस संदर्भ में आचार्य कुंदकुंद ने तीन गाथाएं दी हैं जो आज के संदर्भ में मैं आप सबके बीच रखना चाहता हूं और उन पर ही
आगे चर्चा होगी। मोहो रागो दोषो चित्त पसादो यजस भावमी विजदि तस्स सुहोवा असुहोवा हो दिपरिणामो सुपरिणामो पुन्नम असुहो पावन्ति हो अवधि जीवस दोनम पोगल में तो भावो कम्मतनम पत्तो जम्मा कम्मस फलम विषयम विषम विषय फासे ही भुंज दे नीदम जीवेन सुहम दुखम तम्मा कम्मा निमुत्तानि। किस जीव के अंदर मोह रूप राग रूप देश रूप या चित्त पशादो चित्त की प्रसन्नता रूप भाव होते रहते हैं शुभ अथवा अशुभ। मोह राग देश रूप परिणाम अशुभ परिणाम है और चित्त का प्रसाद चित्त की प्रसन्नता मन की क्षमता और स्थिरता शुभ परिणाम है। शुभ परिणाम पुण्य है और अशुभ परिणाम पाप है। इनके कारण से कर्म बंधता है और इस कर्म का फल यह जीव भोगता है। ये कर्म अनादि से चलता आ रहा है इसलिए अपने आप को शुभ परिणामों से भरने की कोशिश करिए। चित्त का प्रसाद बने पहली बात। चित्त का प्रसाद कब होता है? भोगों में अल्पकालिक, पर वो चित्त को मलिन करता है, वो आत्मा को मलिन करता है। जब मनुष्य पाप में रत रहता है कुछ पल के लिए उसे आनंदानुभूति होती है लेकिन वह आनंद भी आगे चल करके उसकी उकताहट की वजह बन जाता है और पाप बंध का कारण बनता है। उसे नहीं, अपने चित्त का प्रसाद यानी चित्त की निर्मलता चित्त की पवित्रता चित्त की विशुद्धि ये अंतरंग में जगनी चाहिए जो पुण्य है जिससे जीवन की वास्तविक प्रगति हो सकती है जिससे हम अपनी आत्मा का विकास कर सकते हैं उसे अपने अंदर घटित करने का लक्ष्य होना चाहिए। जब आप भगवान की भक्ति करते हो मन में निर्मलता होती है या मलिनता? क्या होता है बोलो? निर्मलता। अभी प्रवचन सुन रहे हो मन निर्मल है या मलिन? कोई त्याग तप करते हो मन में निर्मलता आती है या मलिनता? कोई दान करते हो मन में प्रसन्नता होती है या खिन्नता? महाराज देते हैं तो प्रसन्नता होती है, देना पड़ता है तो खिन्नता होती है ना। कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं महाराज देना पड़ा आज तो फंस गए। नहीं भाई, देना पड़ने की बात कभी आनी ही नहीं चाहिए। हृदय से भर कर हमेशा देना चाहिए। कुल मिलाकर जब कोई शुभ अनुष्ठान आपके द्वारा संपन्न होते हैं तो वो आपकी चित्त की प्रसन्नता पवित्रता और निर्मलता का कारण बनती है। तो ये तुम्हारा धर्म हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो इसे अपनाने की कोशिश होनी चाहिए। इसकी तरफ जब हमारी दृष्टि हो तो हमारा जीवन धन्य होगा और हम अपने जीवन को प्रशस्त कर पाएंगे। और चित्त के प्रसाद के लिए कसौटी दी है आचार्य कुंद ने, जो प्रवृत्ति में जीने वाले लोगों के चित्त का प्रसाद कैसे होगा? तो कहते रागो जस पसत्थो अनुकंपा संसिदो ये परिणामो चित्ते नथि कलुषम पुण्यम जीवस आसवधि अरहंत सिद्ध साहुसु भक्ति धम्मम मिजाय खलु चिट्ठा अनुगमनम पि गुरुनम पसत्थ रागोति बुच्छन्ति तिषिदम भुभिक्खिदम वा दुहितम दठून जोदु अहिकमो परिवज्जतम किवया तस्से साहोदि अनुकंपा। क्या कह रहे? रागो जस पसत्थो, जिसका राग प्रशस्त है
राग तो राग है, वो आग है। आग का काम क्या है? जलाना। लेकिन वही आग कभी कभी जिला देती है। आग जलाती भी है, जिलाती भी है। सीधे सीधे आग में लगोगे हाथ, डालोगे हाथ, जलेगा। और कभी पेट में दर्द हो रहा, पेट की आग से शिकायत करोगे तो दर्द मिटेगा। होता है जो विषयों और भोगों में राग रखता है उसका राग अप्रशस्त राग है, वो उसे संसार में डुबा देने वाला है। और जो परमात्मा के प्रति, पंच परमेष्टि के प्रति, धर्म और धर्मी के प्रति राग रखता है उसका राग प्रशस्त राग है। वो राग उसे जिलाने वाला है, उसके जीवन का उत्थान करने वाला है, उसकी आत्मा में पवित्रता उद्घाटित करने वाला है। तो रागो जस पसत्थो, जिसका प्रशस्त राग है, अपने मन को टटोल करके देखो 24 घंटे में तुम्हारे अंदर की धारा कैसी है, प्रशस्तता या अप्रशस्तता। पानी तो बह रहा है, वो नाली का पानी बह रहा है या ऊपर की साफ टंकी का पानी बह रहा है, ये तुम्हें देखना है। चित्त में धारा बह रही है, धारा यदि निर्मल है तो समझना ये प्रशस्त राग है, और धारा यदि मलिन है तो अप्रशस्त राग है। निर्मलता और कलुषता, प्रसाद और कालुष्य, ये दोनों चीजें ही हमारे जीवन की मूल है। इस पर दृष्टि होनी चाहिए और हमारा प्रयास हो कि हम अपने भीतर निर्मलता की अभिव्यक्ति करें, अपने चित्त को प्रसन्न बनाए रखने का प्रयत्न करें। हर पल हर क्षण यदि वैसी दृष्टि होगी तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई देने में समर्थ हो सकेंगे। बंधुओं, ये प्रशस्त राग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मैं बात करूंगा ये प्रशस्त राग हमारे जीवन में कैसे आए और हम अपने जीवन में इन सबको घटित करते हुए अपने जीवन को किस भांति पवित्र कर सके। इस भाव के साथ जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवासी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे रवि मसाले ग्रुप, रवि मैजिक, परंपरा स्वाद की माँ के हाथ की। डिस्ट्रीब्यूटर्स रिक्वायर्ड, कॉन्टैक्ट 9822-84936, विजिट www.ravimasale.com। स्वर्गीय श्री डॉक्टर टीसी कोठारी जी, स्वर्गीय श्रीमती लाल देवी कोठारी जी की पुण्य स्मृति में श्रीमान सीपी कोठारी, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान डीपी कोठारी, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्रीमान सुनील कोठारी, श्रीमती सीमा कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में डीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषेल, कविश, दयुदित एवं समस्त सेठी परिवार। एरेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अहमदाबाद।